अब हम 52 शक्ति पीठों में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या के शक्तिपीठ के संबंध में आज चर्चा करेंगे। मां कामाख्या का शक्तिपीठ काफी प्रसिद्ध और विख्यात और प्रतिष्ठित शक्तिपीठ है और वहीं पर ही कामिया सिंदूर या कामाख्या सिंदूर या उसी को कामयाबी सिंदूर भी कहा जाता है प्राप्त होता है। और वहीं पर ही माँ के ऋतुकाल का धागा जो कि माँ के अंबुबाची पर्व के दौरान उनके असल रक्त से बनता है, तो वो रक्षा सूत्र या उससे भीगा हुआ कपड़ा आपको जो भी प्राप्त हो जाए या जो जिसकी किस्मत में हो प्राप्त हो जाए उनको अपने साथ रखना चाहिए। इसी प्रकार कामयाबी सिंदूर का भी उसी वक्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए वरना पूजा में रखना चाहिए जब बहुत अधिक आवश्यकता हो। पुराने जमाने में यह रेलवे के स्टीम इंजन को शुरू करते वक्त इंजन में लगाया जाता था। इस सिंदूर में 51 शक्तिपीठों का सिंदूर और 51 शक्तिपीठों के अलग अलग भैरों की भभूत भी मिली हुई रहती है। इसे बच्चों से दूर रखना चाहिए और होली दिवाली विशेष प्रयोजन पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। इस सिंदूर में किसी भी विधवा स्त्री का या अपने पति से अलग रह रही किसी स्त्री का परित्यक्ता जिसको कहते हैं उनका हाथ लगते ही ये बेकार हो जाता है और भस्म में बदल जाएगा और किसी अर्थ का नहीं। अतः किसी विधवा स्त्री को या किसी पति से अलग रह रही स्त्री को इस सिंदूर को स्पर्श न करने दें और उनको स्पर्श करके देखने भी न दें क्योंकि तो उसके साथ ही यह असरहीन हो जाएगा। और सिंदूर को प्रयोग में करते समय जो है जो उसका जो मंत्र है सिद्ध करने का या मंत्र जिससे उसे सिद्ध कर लेते हैं उसका 11 या 21 बार जाप कर लेना चाहिए। और आपको इस दरमियान में साधना काल में शेर आदि दिखें या और कोई वैसी घटनाएं दिखें डरावनी तो डरना नहीं है। और इसके बाद में जब किसी भी बाधा ग्रस्त व्यक्ति के माथे पर लगा देंगे या किसी अन्य किसी संकट में फंसे या मुसीबत में फंसे व्यक्ति के माथे पर आप लगा देंगे तो उसकी भी समस्याएं संकट सारे दूर हो जाएंगे। माँ कामाख्या की तस्वीर हमेशा ही पूजा में रखना चाहिए और माँ कामाख्या की तस्वीर की सदैव पूजा घर में करना चाहिए। माँ कामाख्या साक्षात महाकाली हैं, महाकाली भगवान हैं और यहाँ महाकाली की पूजा होती है। वहां कामाख्या की पूजा स्वतः होती है, जहाँ कामाख्या की पूजा होती है वहां महाकाली की पूजा स्वतः होती है। हम आज की चर्चा में माँ कामाख्या के स्तोत्र के बारे में चर्चा करेंगे और माँ कामाख्या का जो कवच है हम यहाँ कवच पाठ करेंगे। तो माँ कामाख्या का जो कवच स्तोत्र है आज उसका उच्चारण हम यहाँ कर रहे हैं। तो नारद उवाच कवच कीदृशं देव्या महाभय निवर्तकम् कामाख्या यास्तु तद्ब्रूहि सांप्रतं मे महेश्वर। महादेव उवाच शृणुष्व परमं गुह्यं महाभय निवर्तकम् कामाख्या याया सुरश्रेष्ठ कवचं सर्वं मंगलं यस्य स्मरण मात्रेण योगिनी डाकिनी गणा राक्षस्यो विघ्नकारिण्यो याश्यान्या विघ्नकारिका क्षुत्पिपासा तथा निद्रा तथान्ये ये च विघ्न ददा दूरादपि पलायन्ते कवचस्य प्रसादतः निर्भयो जायते मन्त्र्यस्तत्तेजस्वी भैरवयो भैरवो यमः समासक्तमनाश्चापि जप होमादि कर्मसु भवेच्च मंत्र तंत्राणाम निर्वघ्ने न सुसिद्धये। इस श्लोक को मैं पुनः उच्चारण करूंगा क्योंकि भगवान शंकर ने इसमें
इस कवच का महत्व बताया है, महत्ता बताई है। तो ये श्लोक जो है आप उन्हें सुन लें। महादेव वाच श्रोणुषु परमं गुह्यं महाभय निवर्तकं कामाख्याया सुरश्रेष्ठ कवचं सर्वं मंगलम यस्य स्मरण मात्रेण योगिनी डाकिनी गणा राक्षस्यो विघ्नकारिण्यो याश्चान्या विघ्नकारिका क्षुत्पिपासा तथा निद्रा तथा ये च विघ्न दधा दूरादपि पलायन्ते कवचस्य प्रसादतः निर्भयो जायते मन्त्रयत्स्तत्तेजस्वी भैरवो यम समासक्त मनाश्यापि जप जप होमादि कर्मसु भवेच मंत्र तंत्राणाम निर्वग्ने सुसिद्धये। अब मां के कवच का पाठ। ओम प्राच्याम रक्षतु मे तारा काम रूप निवासिनी आग्नेयाम षोडशी पातु याम्याम धूमावती स्वयं नैरेत्याम भैरवी पात वारुण्याम भुवनेश्वरी वायव्याम सततम पात छिन्नमस्ता महेश्वरी कौवेर्याम पात मे देवी श्री विद्या बगुला मुखी ऐशान्याम पात मे नित्यम महात्रिपुर सुंदरी ऊर्ध्व रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पात मे नित्यम कामाख्या कालिका स्वयं ब्रह्म रूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालम श्री भवगेहिनी त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु शरवाणी पातु नासिकाम चक्षुषी चंडिका पातु श्रोत्रे नील सरस्वती मुखम सौम्य मुखी पातु ग्रीवाम रक्षतु पार्वती जिव्याम रक्षतु मे देवी जिव्यालन भीषणा वाग्देवी वदनम पातु वक्ष पातु महेश्वरी बाहु महाभुजा पातु करांगुली सुरेश्वरी पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्याम देवी दिगंबरी उदरम पातु मे नित्यम महाविद्या महोदरी उग्रतारा महादेवी जंघोरुपरि रक्षतु गुदम मुष्कम च मेदम च नाभिम च सुरसुंदरी पादांगुली सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी रक्तमासास्थिमज्जादीन पातु देवी शवासना महाभयेषु घोरेषु महाभय निवारिणी पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी भस्माचल गता दिव्य सिंहासन कृताश्रया पातु श्री कालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा रक्षाहीनं तु यत् स्थानं कवचेनापि वर्जितं तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षण कारिणी इदं तु परमं गुह्यं कवचं मुनिसत्तं कामाख्या भयोक्तं ते सर्वरक्षाकरं परम अनेन कृत्वा रक्षा तु निर्भय साधको भवेत् न तम स्पर्शेद भयं घोरं मंत्र सिद्धि विरोधकम् जायते च मन सिद्धिं निर्विघ्नेन मामते इदं यो धारयेत् कंठे बाहु या कवचं महत् अव्याहताज्ञः स भवेत् सर्वविद्या विशारिदः सर्वत्र लभते सौभ्यं मंगलं तु दिने दिने यः पठेत् प्रयतो भूत्वा कवचं चे अद्भुतं स देव्या देव्याः पदवीं याद सत्यं सत्यं न संशय। ओम कामाख्या देव्यै नमो नमः। ओम कामाख्या देव्यै नमः स्वाहा। ओम कामाख्या देव्यै नमः स्वाहा। शौं ओं वषट ठ ठ 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 शौं ओं वषट ठ ठ
शाम ओम व शट ठ ठ शाम ओम व शट ठ ठ ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे।